ये हमारी राजस्थान की संस्कृति है। इस राजस्थान की संस्कृति को बंगाल की धरती पर जीवित रखने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। एक को अपने पीकॉक, अंग्रेजी में बोलते पीकॉक यानी मयूर, तो जो मयूर जो पीयू पीयू करते हैं ना, उस वक्त जब जो डांस होता है वो जो श्रृंग, उस वक्त का जो माहौल बनता है वो माहौल हम यहाँ पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक धमाका करने जा रहे हैं जिसको अगले वर्ष और बड़े रूप में करेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं चाहूँ ये कार्यक्रम में सब बहुत उत्साह से आवा, बोड़ा जना आवा और ये कार्यक्रम ना देखे। दुनिया सारी घूम लियो मिलो ना ऐसो देश रे, दुनिया सारी घूम लियो मिलो ना ऐसो देश रे, सगला देशा सूचोखो सगला देशा सूचोखो मारो राजस्थान रे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र। दोस्तों 17 जुलाई को कोलकाता के श्रीभूमि में सीकर नागरिक परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल में राजस्थान को उतारने की तैयारी चल रही है। अब देखिए यहाँ महिलाएं जो हैं वो घूमर की प्रैक्टिस कर रही हैं और सिर्फ घूमर ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे 17 जुलाई को श्रीभूमि के डिविनिटी पवेलियन में शाम 3 बजे से सुरंगो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान का सिग्नार लोक नृत्य गीत संगीत मारवाड़ी भाषा में महिमा को बखान, महिलाओं के लिए प्रतियोगिता, विशेष पुरस्कार मीराबाई पुरस्कार। और ये देखिए महिलाएं घूमर की किस तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में राजस्थान उतारने की तैयारी चल रही है और पूरा राजस्थान जो है वो श्रीभूमि के डिविनिटी हॉल में गूंज उठेगा और जो मेला होगा वो भी अपने आप में अद्वितीय होगा। हमारे साथ सीकर नागरिक परिषद के ट्रस्टी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे घनश्याम जी से, लेकिन और महिलाओं से भी मिलेंगे कि वो कितनी प्रैक्टिस कर रही है। ये देखकर तो समझ में आ ही रहा है कि जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो रही है तो तैयारी जब इतनी अच्छी हो रही है तो जब ओरिजिनल ये लोग करनी शुरू कर देंगी सुरंगो राजस्थान तो पता चलेगा कि पूरे कोलकाता में जयपुर उतार दिया गया है। सर क्या क्या कार्यक्रम है थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये कार्यक्रम का नाम है सुरंगो राजस्थान। सुरंगों का मतलब सात रंग, राजस्थान में सतरंगी बेड़ा, ये सावन में ही होता है। पूरा राजस्थान हरियाली से एकदम चारों तरफ लड़ालूम हो जाता है, उसको सतरंगी बोलते हैं। सात रंगों में रंग जाता है, अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, अलग अलग तरह के पूरी हरियाली छा जाती है, अलग अलग तरह की खेती शुरू हो जाती है, हर तरफ के किसान एकदम मस्त होकर के नाचते गाचते हैं, महिलाएं एकदम सावन में मस्त होकर के नाचती गाती हैं, सावन के गीत गाती हैं, इसलिए इसका नाम है सुरंगो राजस्थान। ये हमारी राजस्थान की संस्कृति है। इस राजस्थान की संस्कृति को बंगाल की धरती पर जीवित रखने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। तैयारी तो दोस्तों आप लोग समझ में आ ही रहा है कि जिस प्रकार से घूमर की तैयारी महिलाएं कर रही हैं, आप देखिए आपके स्क्रीन पर कितने सुंदर तरीके से पूरे, कोई कोई महिलाएं तो परिधान में भी आ रही हैं और जब उस दिन कार्यक्रम होगा तो ये पूरी तरह से पारंपरिक परिधान में आपको नजर आएगी। हमारे साथ घनश्याम जी शोभा सरिया हैं। सर बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कोलकाता में पूरा राजस्थान उतारने की तैयारी चल रही है, उस दिन ये जितनी महिलाएं सब एक सी पोशाक में रहेंगी तब आपको मालूम चलेगा कि राजस्थान क्या है। पूरी राजस्थानी पोशाक में रहेगी। इसमें हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट दिए हैं। पहला है राजस्थानी श्रृंगार, उसमें हम लोगों ने 3 प्राइज रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। महिलाएं सज धज के आएगी राजस्थानी परिवेश में, परिधान में, गहनों में, सब में। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज दिए जाएंगे। दूसरा है राजस्थानी नृत्य और राजस्थानी गीत। तीसरा है राजस्थान की महिमा का गुणगान। ये 3 सब्जेक्ट है, तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज है। लास्ट में 1 प्राइज
तीनों में मिला के जो फर्स्ट आएंगे उनको है। ये हम लोगों ने शुरू किया, इस हर साल हम लोग सावन का कार्यक्रम करते हैं। बृहद कार्यक्रम इस साल लेने का मन किया कि और भी पूरे वेस्ट बंगाल को इससे जोड़ें। हम लोग जो कार्यक्रम करते थे उसमें सीकर परिषद की महिलाएं ही कार्यक्रम देती थी, इसलिए हम लोग जब पूरे वेस्ट बंगाल को इससे जोड़ना है, इसलिए हमने इस साल ये कार्यक्रम शुरू किया है। अगले साल हमको ये बहुत बड़ी खुशी है कि 66 महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, प्रतियोगिता भाग लेने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखा दिया है। हमको तो उम्मीद नहीं थी 25-30 भी हो जाएगी तो हमसे अपना कार्यक्रम सफल है, लेकिन इतनी हो गई, हमको तो बहुत अचंभा लग रहा है कि महिलाएं इतनी इसमें उत्सुकता दिखा रही हैं। अगले साल लेडीज जेंट्स दोनों का कार्यक्रम करवाएंगे। अगर आप कोलकाता में राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो चले आइए सीधे ले श्री भूमि के डिविनिटी हॉल में। सर, बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, अब जब सचमुच वहाँ पर डांस होना शुरू हो जाएगा, घूमर नृत्य होगा, एक से बढ़कर एक सिग्नार होगा, पद्मावती डांस पुरस्कार होगा, तो क्या क्या माहौल होगा थोड़ा बताएँ। देखिए, माहौल की तो कल परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, वो परिकल्पना माने करना हमारे बस के बाहर की बात है। हमने तो प्रयास ये किया है कि पूरा राजस्थान को ही कलकत्ता में उतार दिया जाए। आज राजस्थान में जब हमारे सावन में जब महिलाएं श्रृंगार करके जब घूमर करती है, जब डांस करती है, वो माहौल जब एक को अपने पीकॉक अंग्रेजी में बोलते पीकॉक यानी मयूर, तो जो मयूर जो पीयू पीयू करते हैं ना, उस वक्त जब जो डांस होता है, वो जो श्रृंग उस वक्त का जो माहौल बनता है, वो माहौल हम यहाँ पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आज उस दिन हम राजस्थानी मेला भी डालेंगे और राजस्थान के बीच में ये डिबेट, ये कंपटीशन, ये हम पहली बार कर रहे हैं। अभी तक हमने हर साल राजस्थान का एक बरखा पार बोल करके हमारे यहाँ कार्यक्रम होते आया है, उस बरखा पार को एक बेहतर रूप सुरंगों राजस्थान के रूप में इसे हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सीकर नागरिक परिषद के तरफ से ये दो प्राण पुरुष मेरे साथ हैं, आपके स्क्रीन पर खुद घनश्याम जी शोभा सरिया हैं, रविशंकर जी हैं और भी कमेटी के सदस्यगण हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब राजस्थानी मेला जब वहां पर रम जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोलकाता में हैं कि राजस्थान में हैं। सर एक सवाल है कि जब आपने कहा कि जब महिलाएं पारंपरिक परिधान में राजस्थान में निकल पड़ती हैं तो उस समय का जो माहौल होता है उसको पूरे उकेरने की कोशिश की जा रही है कोलकाता में, क्या बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, हमारा यही एक तो थीम रहेगा कि सारी की सारी महिलाएँ एक जैसे पोशाक में दिखेंगी। आज जो राजस्थान का जो श्रृंगार आपको जब देखने मिलेगा, पद्मावती पुरस्कार का जो नाम आपको दिया गया, आज राजस्थान में यह प्रसिद्ध है कि पद्मावती जिस तरह की हमारे राजस्थान की सुंदरी हुई है, वैसी कोई भी आज तक नहीं हुए, इसलिए वैसा ही नाम दे करके उस पुरस्कार को दिया गया है, ताकि सारी महिलाएं उस तरह के परिधान में सज के आएं, और एक से एक परिधान में जो सज के आएंगी तो वो जब माहौल होगा, वो आप जब वहाँ पे रहेंगे और उसको देखेंगे तभी आपको उसका अनुभव हो पाएगा। हमने राजस्थान से नृत्य सिखाने के लिए, गीत सिखाने के लिए राजस्थान से हमारे पुखराज जी और सुखदेव जी, उन जैसे कलाकारों को भी इन्हें यहाँ पर आमंत्रण किया है, वो हमारी महिलाओं को सिखा रहे हैं। जो यहाँ पे अभी आपने देखा वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा, और उससे ज़्यादा कई गुना मैं इसके बारे में वर्णन नहीं कर सकता, ये वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। मैं तो बिल्कुल उत्साहित हूँ कि भाई आज 15 तारीख बीत रहा है, कल 16 तारीख के बाद 17 तारीख को 3 बजे कोलकाता का श्री भूमि में डिविनिटी हॉल में चले आइए और आपको वहाँ राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा से महिलाएँ वहाँ देखने को मिलेंगी, घूमर वहाँ पर नृत्य होगा, एक से बढ़कर एक वहाँ पर कार्यक्रम है। सर, आप कितने उत्साहित हैं बताइए, वाइस प्रेसिडेंट इसी के नाम बोलेंगे। महिलाओं के अलावा जितने हमारे कार्यकर्ता और जेंट्स लोग हैं वो भी एक राजस्थानी ड्रेस में आएंगे, जिससे आपको लगेगा ये सब यहाँ पूरा राजस्थान के महिलाएं और जेंट्स आ गए हैं। बहुत उत्साहित हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एक अनोखा अनूठा प्रोग्राम है, पूरा कलकत्ते में बंगाल के अंदर तहलका मच जाएगा इस प्रोग्राम से। सर बोल रहे हैं कि तहलका मच जाएगा, आप क्या क्या कहेंगे? इनका कहना एकदम सही है, हम एक धमाका करने जा रहे हैं,
जिसको अगले वर्ष और बड़े रूप में करेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है, वो है सब पूरा कार्यक्रम राजस्थानी में होगा, हिंदी वहाँ नहीं बोलनी है, वर्जित है हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से। तो ये एक खास खूबी है। और कई तरह के स्टॉल्स वगैरह भी लगाएंगे, जैसे लाख की चूड़ी वगैरह, और भी टेरा कार्ड का है, बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर बनाया बच्चे, ताकि माओं को परेशान नहीं करें प्रोग्राम देखने लगे। तो इस तरह का हमको अगले साल और भी बड़े रूप में करना। आप कितने उत्साहित हैं? गनी गनी खम्मा, मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं चाहवा ये कार्यक्रम में सब बहुत उत्साह से आवा, बोला जना आवा और ये कार्यक्रम ना देखे। मैं अब आ था ना एक सुखदेव जी के गाने की लाइन सुनवावा, हाँ थे झलक देखो इकी सुखदेव जी आइए आप एक गाना थे आके एक गाना की लाइन बताओ। नमस्कार खमा गणी, मैं सुखदेव मंगनियार बाड़मेर राजस्थान से, और हम लोगों को यहाँ आकर बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। घनश्याम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हम लोग, सुनीता जी मैम का, जिन्होंने हमें ये अवसर मिला यहाँ आने का। और हमने यहाँ आके बहुत बढ़िया देखे कि हम लोगों का एक लोक नृत्य घूमर जो यहाँ की औरतें बहुत इतना अच्छा कर रहे हैं और इतना अच्छा हमें लग रहा है, और हमारे राजस्थान का एक बखान भी हम लोग क्या करें। दुनिया सारी घूम लियो मिलो ना ऐसो देश रे, दुनिया सारी घूम लियो मिलो ना ऐसो देश रे, सगला देशा सूचोखो सगला देशा सूचोखो, मारो राजस्थान रे आओ जी आओ आ राजस्थान रे, दुनिया सारी घूम लियो मिलो ना ऐसो देश रे। देखिए जिस प्रकार सुखदेव जी ने आप सभी के सामने इतना सुंदर एक गीत गाया है, मेरा एक अंतिम सवाल है रविशंकर सिकरिया जी से, बहुत मेहनत हो रही है और हम लोगों ने देखा है कि सुरंगों राजस्थान को लेकर जो चर्चा राजस्थानी समाज में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा भाषी के तमाम समाज में जो चर्चा होनी शुरू हो गई है कि भाई कितना वृहद कार्यक्रम ये होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर सिकरिया जी सीकर नागरिक परिषद के कर्ता धर्ता और बेहद मतलब क्या कह जाए कि इतनी मेहनत करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, 2400 घंटे ये काम कर रहे हैं रविशंकर जी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, मारवाड़ी भाषा में लोगों से अपील कीजिए कि भाई आप लोग 17 तारीख को 3 बजे डिविनिटी हॉल में आए, मारवाड़ी भाषा में जरा अपील कीजिए। पधारो साहब पधारो, यो राजस्थान थारो सुरंगो राजस्थान, ये कार्यक्रम में सह का सह परिवार सहित कुटुंब सहित बंधु बांधव सहित ये कार्यक्रम में पधारो और ये कार्यक्रम को आनंद लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पहली नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।